कई बार कई स्टूडेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर हम लगातार कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं एक साल से डेढ़ साल से, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमने बहुत स्टूडेंट से बात की और एक निष्कर्ष निकाला कि आखिर सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। हमने पूछा आप पढ़ते कैसे हैं, बोले सर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तैयारी भी अच्छी खासी होती है और पेपर को ठीक ठाक कर लेते हैं। तो हमने उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी कि वो एक एवरेज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब एक पेपर में अगर चार सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं तो वो 60 से 70% को अच्छे से हिट कर रहे हैं, यानी इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन पेपर पार्ट होता है किसी सब्जेक्ट का उसको वो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत बेहतर नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा होता है। तो मेरी स्टूडेंट्स आप सबको एक सलाह है कि आप कम से कम 2 सब्जेक्ट को 95% 90% तक सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी 2 सब्जेक्ट्स को आप बेहतर बनाइए और 2 को अगर आप एवरेज करेंगे तब आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि एक बच्चा जब कंपटीशन के उसमें दौर में आता है तो वो एवरेजन 50 से 60% पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व करता है। तो आप जो अभी तक गलतियां कर रहे हैं कि आप कमज़ोर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसको आपको बेहतर कर दूं कि स्टूडेंट मजबूत को और मजबूत बनाओ, मजबूत को और मजबूत बनाओ। जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको और स्ट्रांग बनाइए और जो कमज़ोर पार्ट है उसको बेहतर बनाइए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कर रखिए, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचिए। आप पेपर को पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़कर और 2 सब्जेक्ट्स को जो भी आपको ईजी लगते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ को बेहतर करिए या मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीजनिंग को बेहतर करिए, आपको जो 2 सब्जेक्ट्स उसमें से बेहतर लगते हों उनको आप 90 से 95% 100% तक करने की कोशिश करिए। जिस दिन आपने आकर ये कह दिया कि ये 2 सब्जेक्ट तो आप भूल जाइए सर, ये हो जाएंगे, ये हो गए हैं, उस दिन आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। आप 50 से 60% पेपर को सॉल्व कर सिलेक्शन नहीं पा सकते क्योंकि कंपटीशन टफ है। इतना तो बच्चा, हर एक बच्चा इतना करता है। तो आपको अगर सक्सेस पानी है तो आप मजबूत को और मजबूत बनाइए और इजी को और बेहतर बनाइए, जो आप कमज़ोर पार्ट है उसको और बेहतर बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो लगे रहिए और डिटर्मिनेशन के साथ आप आइए और पेपर को पेपर के हिसाब से पेपर के पैटर्न को समझकर आप स्टडी करिए। मेरा एक स्लोगन रहा है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा पढ़ने वाले मास्टर्स हो जाते हैं और कम पढ़ने वाले उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपको अगर कंपटीशन निकालना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप ना ज़्यादा ना कम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, अकॉर्डिंग टू योर जॉब सिलेक्शन आप पढ़िए, आपको बेहतर मिलेगा, आप सफल होंगे। धन्यवाद।